हाय एवरीवन, अक्सर हम जब भी शक्करपारे बनाते हैं तो या तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं या तो बहुत हार्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक कटोरी लेना है, मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स है। एक कटोरी आपको लेना है गर्म पानी, एक कटोरी शुगर और उसी कटोरी से आपको घी लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल जानी चाहिए, बस इतना मिक्स करना है। और इसके बाद इसी सेम कटोरी से 4 कप हमको डाला है मैदा। ये जो एक कटोरी है, हमने एक एक कप जो चीजें डाली है तो मैदा इसमें हमको डालना है 4 कप। इसके बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये इस तरह से डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, देन इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। इसको रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखें, देन इसको फिर डिवाइड कर लेंगे और फिर इस तरह से आप इसकी पूरियां बना लीजिए किसी भी शेप की। इसके बाद आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए जैसे भी आपको शक्करपारे बनाने हैं। मुझे थोड़े से स्क्वायर साइज के बनाने थे तो मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। आपके पास अगर पिज्जा कटर हो तो उसका इस्तेमाल करिएगा, उससे बहुत ही अच्छे से कटते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है इसका डो। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो डीप फ्राई के लिए जो ऑयल होना चाहिए वो मीडियम हॉट होना चाहिए। मतलब जब हम शक्करपारे डालें तो हल्के से बुलबुले आने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये ऊपर आने लगे इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। बहुत कम फ्लेम पर भी अगर आप इसको पकाएंगे तो ये फिर ऑयल पीना शुरू कर देंगे, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको इसको पकाना कैसा है। तो बस इसी तरह से आप डीप फ्राई कर लीजिए और आपके शक्करपारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये और अंदर से इस तरह से फ्लेकी होते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस दिवाली पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। बाय।